हर हर महादेव। एक बार की बात है, मोदी परिवार में सब सही चल रहा था, लेकिन गोपी के मन चल रही थी एक बात। वह बहुत ही खोई खोई रहती थी। एक दिन गोपी मंदिर में बैठकर कहीं दूर ख्यालों में खोई थी, तभी कोकिला वहां आई और गोपी को इस तरह देख कोकिला बोली, गोपी बहू। लेकिन गोपी इतनी खोई हुई थी कि कोकिला की आवाज उसे सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन कोकिला फिर से गोपी को आवाज देती है, गोपी बहू तुम कहाँ खोई हो? अरे माँ जी आप। गोपी बहू क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? माँ जी सावन आ गया है, मुझे जल चढ़ाने देवघर बाबा के धाम जाना है। तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अहम दिकरा को लेकर चली जाओ ना। पर माँ जी अहम जी को कितना काम रहता है ना, वहाँ जाने से उनके काम का कितना नुकसान होगा। हाँ ये बात तो सही है, चलो गोपी बहू मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या सच माँ जी आप मेरे साथ बाबा के धाम जाएंगी? हाँ गोपी बहू। ठीक है माँ जी, चलिए तैयारी करते हैं। दोनों शिवजी को जल चढ़ाने के लिए देवघर बाबा के धाम जाने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों घर वालों से बात कर गोपी और कोकिला बाबा के धाम जाने के लिए तैयार हो गई और दोनों घर से निकल जाती हैं। में बैठे कर कोकिला और गोपी निकल जाते हैं। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती कोकिला और गोपी को ऊपर से देख रहे थे। तब माता पार्वती जी ने शिव जी से बोली, स्वामी ये गोपी और कोकिला देवघर आपको जल चढ़ाने जा रहे हैं, हमें इनकी भक्ति का परीक्षा लेना चाहिए। जैसा तुम्हें सही लगे। शिव जी ने तब गोपी और कोकिला की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कोकिला की गाड़ी को पंचर कर दिया। गाड़ी पंचर होते ही कोकिला और गोपी गाड़ी से बाहर आई और बोली, अरे भाई क्या हुआ? मैम वो गाड़ी पंचर हो गई है और यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं है। माँ जी अब क्या होगा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। हे कृष्ण भगवान, गोपी बहू लगता है अब हमें आधा सफर पैदल ही चलना पड़ेगा। लगता तो यही है माँ जी। कोकिला और गोपी दोनों पैदल बाबा धाम जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी ने फिर से अपने गले के वासुकी नाग को आदेश दिया, वासुकी जाओ अब तुम अपना कार्य करो। महादेव के गले से वासुकी नाग जाकर कोकिला को डस लेता है और कोकिला चिल्लाने लगती है, आह गोपी बहू आ। माँ जी आपको क्या हुआ? माँ जी मुझे सांप ने काट लिया। माँ जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। माँ जी कोकिला और गोपी दोनों पुनः चलने लगती है, लेकिन इस बार कोकिला को सांप का जहर चढ़ने लगता है और कोकिला कुछ दूर चलते चलते बेहोश हो जाती है। माँ जी आपको क्या हुआ? माँ जी माँ जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। माँ जी हे महादेव आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मेरी माँ जी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी गोपी को एक ठेला गाड़ी देखती है और कोकिला को ठेले पर रखा कर गोपी कोकिला को लेकर बाबा के धाम जाने लगी। अब गोपी वहां पहुंच ही चुकी थी कि गोपी की भक्ति की अंतिम परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने नंदी को आदेश दिया और बोले, नंदी जाओ अब तुम अपना कार्य करो। तभी गोपी के पीछे एक सांड पड़ गया और गोपी उस सांड को देखकर कोकिला को लेकर दौड़ने लगी। और दौड़ते दौड़ते गोपी का पैर एक पत्थर से टकरा गया और गोपी वहीं गिर जाती है और गोपी को भी चोट लग जाती है। कुछ देर में गोपी फिर उठकर बैठ जाती और महादेव से प्रार्थना करने लगती है, महादेव कृपा करिए, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्यों मेरे रास्ते में इतनी बाधाएं आ रही हैं? हे महादेव मुझे क्षमा करिए, महादेव मुझे मार्ग दिखाइए, कृपा करिए महादेव। प्रार्थना करने के बाद गोपी उठकर देखती है कि वह बाबा के धाम देवघर पहुंच चुकी है और चारों तरफ घंटियों की आवाज से पूरा देवघर गूंज रहा है। सावन लग चुका था। तभी गोपी कोकिला को देखती है कि कोकिला के शरीर से जहर उतर चुका था और कोकिला होश में आ चुकी थी। दोनों ने भगवान शिव की जय जयकार किया और शिव जी को जल चढ़ाया और फिर बाहर आई।
तब उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी सही हो चुकी थी। तब कोकिला और गोपी